नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नॉर्टन थ्योरम क्या होता है और नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड आपको हम न्यूमेरिकल यानी कि कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम यदि दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें ये 36 वोल्ट की जो बैटरी सोर्स लगी हुई है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर लोड पर जो है हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले नॉर्टन थ्योरम के द्वारा हम ये प्राप्त करेंगे कि हमारा जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, यानी कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वही होगी IN। तो देखिए, हमारे जो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है नॉर्टन थ्योरम सॉल्व करने का कि सबसे पहले हम IN निकालते हैं। IN क्या होता है? IN एक नॉर्टन करंट होता है और ये नॉर्टन करंट किसके इक्वल होता है? नॉर्टन करंट इज नथिंग, ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो सिर्फ ये शॉर्ट सर्किटेड करंट होता है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे ये लोड बनाया गया है इस लोड पे को यदि हम शॉर्ट कर दें तो उसके बाद जो हमको नेटवर्क मिलेगा वो हमारा ये हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क? ये शॉर्ट नॉर्टन का नॉर्टन थ्योरम फाइंड करने का ही नेटवर्क हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने 36 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एज इट इज हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे हमने एज इट इज 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 6 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 ओम का। देखिए, यहाँ पर हमने जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 2 ओम का लगाया हुआ है उसको शॉर्ट कर दिया है और शॉर्ट कर दिया है तो यहाँ पे ISC यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किटेड करंट यहाँ पर फ्लो होगी और यही शॉर्ट सर्किटेड जो करंट है टर्मिनल A और B के बीच में जो फ्लो होगी उसमें वही होगी हमारी नॉर्टन करंट। ठीक, तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? स्टेप नंबर 1 यहाँ पर हमने लिख रहा है, स्टेप नंबर 1 में हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड IN, हमको क्या फाइंड करना है? IN, और IN वही होगा जो शॉर्ट सर्किटेड करंट होगी। अब देखिए, यहाँ से शॉर्ट सर्किटेड करंट हम कैसे निकालेंगे? ठीक, सबसे पहली बात कि यहाँ से 36 वोल्ट की बैटरी से सोर्स से जो हमारी करंट आएगी तो यहाँ तक करंट आएगी तो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो 6 ओम की तरफ जाने के लिए रास्ते हैं और एक यहाँ पे जो शॉर्ट है उसकी तरफ जाने के रास्ते हैं। ठीक, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि करंट जो हमारी होती है हमेशा वही पाथ को चूज करती है फ्लो होने के लिए जिस पाथ का रेजिस्टेंस जो है कम होता है। तो यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं हुआ है तो इसी के कारण सारा का सारा करंट जो है इस रास्ते से होकर के गुजर जाएगी और कोई करंट जो है हमारी इस रास्ते से आएगी नहीं। ठीक, जब हमारी कोई भी करंट इस रास्ते से नहीं आएगी तो टोटल करंट यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किटेड करंट होगा जब हमारे इस रास्ते से नहीं आएगी तो इस टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। ठीक, क्योंकि इस रास्ते से हमारी कोई भी करंट फ्लो कर नहीं रही है क्योंकि हमारी जो करंट है हमेशा ऐसे पाथ को चूज करती है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड करंट है, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे? IN इज इक्वल टू V/R होता है, V यहाँ पर बैटरी सोर्स 36 वोल्ट दी गई है तो 36 यहाँ पे उतार लेंगे, अपॉन R इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3 × 3 = 6, यहाँ पर जो है IN इज इक्वल टू 12 एम्पियर हमारा यहाँ पर करंट है। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक चीज हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर IN इज इक्वल टू हमारा जो है 12 एम्पियर जो है करंट फाइंड आउट हमारा हो रहा है। ठीक, यहाँ से हमने एक चीज हमने निकाल लिया। ठीक, IN की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि जब हम IN फाइंड कर लेंगे तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि स्टेप नंबर 2 में देखिए हम क्या फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे RN, फाइंड RN, RN होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जितने भी हमारे नेटवर्क में, ये हमारा एक नेटवर्क है तो हमारे नेटवर्क में जितने एनर्जी सोर्स लगे होंगे यानी कि जो वोल्टेज सोर्स लगा होगा उस वोल्टेज सोर्स को हमको शॉर्ट कर देना है और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस जो लगा होगा उसको ओपन कर देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने तो फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर एज इट इज हमने यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया और लोड सेक्शन जो है वो हमारा ओपन रहेगा और लोड सेक्शन की तरफ से हम देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा हुआ है और कौन सा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम चाहेंगे तो यहाँ भी तो लगा सकते हैं तो ये हमको आसानी से समझ में आ जा रहा है कि 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो RN इज इक्वल टू कितना निकाल लेंगे? RN इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम 6 × 3/6 + 3,
इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18 अपॉन 6 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 1 9 9 2 18। तो आर्यन की जो हमारी वैल्यू हो गई वो कितना हो गई, 2 ओम यहाँ पर हमको निकल गई। और हमने ऑलरेडी आर्यन की वैल्यू 12 एम्पियर हमने निकाल के रखी हुई है। तो यहाँ पर एक नेटवर्क बनेगा, वो कौन सा नेटवर्क बनेगा यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा नेटवर्क बनेगा। सबसे पहले हम एक करंट सोर्स आर्यन बना लेंगे, ठीक, और आर्यन करंट सोर्स जो रहता है उसी के जस्ट पैरेलल में हमारा आर्यन रहता है, ठीक। यहाँ पर हमने आर्यन बना लिया, उसके पैरेलल में हमारा जो है लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो आर्यन की तो वैल्यू हमने 12 एम्पियर लगा दी और आर्यन की वैल्यू जो है हमारा 2 ओम हो गया। अब देखिए फाइनली जो करंट फ्लो होगी, फाइनली जो हमारी करंट फ्लो होती है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसका फॉर्मूला होता है IL इज इक्वल टू IN यानी कि ISC इंटू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि लोड रेजिस्टेंस में हमारा कितना करंट फ्लो करेगा। IL इज इक्वल टू IL को लोड रेजिस्ट लोड करंट कहते हैं, लोड में जितना करंट फ्लो होगी वो IL द्वारा डिनोट होती है। नॉर्टन करंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी 12 एम्पियर निकाल चुके हैं, आर्यन की जो वैल्यू वो 2 ओम दी गई है और लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू जहाँ पर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो भी हमारा ऑलरेडी 2 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे IL यानी कि लोड रेजिस्टेंस पर करंट का मान कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे IL लिख लिए, IL जो कि हमारा नॉर्टन करंट है उसकी वैल्यू 12 एम्पियर हमने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई RN जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस है उसका हमने 2 ओम लिख लिया, अपॉन नॉर्टन रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओम यहाँ से ये, और लोड रेजिस्टेंस RL की जो वैल्यू वो भी 2 ओम के इक्वल है तो हमने यहाँ पर भी 2 ओम लिख लिया। फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 अपॉन 4 हमारा आ गया, 4 से 12, 4 3 जा 12, 3 4 से चल जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि लोड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक चीज़ हम बना लेंगे कि लोड रेजिस्टेंस में यहाँ पर 6 एम्पियर का जो करंट है वो हमारा फ्लो हो रहा है, किसमें, लोड रेजिस्टेंस 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करते हैं, नॉर्टन थ्योरम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।